एंड मैं यहाँ पे इनके एमडी के साथ बैठा हूँ. लाइक मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इनके एमडी से बात करने की. सो इनका नाम है मिस्टर दर्शन सिंह. एंड चलो हम इनसे पूछते हैं इनकी जर्नी कैसे रही है, इन्होंने इतनी बड़ा एम्पायर जो है इन्होंने क्रिएट किया कैसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हाउ आर यू? फाइन, वंडरफुल. सो बेसिकली मैं चाहूँगा, मैं तो चलो आपको पर्सनली जानता हूँ, आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, राइट. मैं चाहूँगा अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को भी दे दें ताकि वो जान सके एग्जैक्टली हम करते क्या हैं, कंपनी एंड ऑल दैट स्टफ. इस तरह है, सब तो पहला तो मैं पंजाबी च बोलूँगा. हाँ जी, हाँ जी, जरूर. सब तो पहला तो मैं 1973 च गवर्नमेंट कॉलेज तो एम ए की. उस तो बाद मैं अपना घर साडा काम जिहड़ा चल रहा सी बेसिकली 72 तो चल रहा सी. उस तो बाद मैं प्रोफेसर की नौकरी की 3 महीने, मेरा जी नहीं लग्या. मैनू अपने आप को यह लगता सी मैं कुछ अपने हथी करना, कुछ ना कुछ करना. उस तो बाद चलो 76 दे विच मेरी शादी हो गई. शादी तो बाद मैं अपना फिर आपके बिजनेस दे विच करे जो कर चल रहा सी साडा काम वो इसी नाल दी नाल चली गए करी गए. यूनाइट फैमिली सी सारी, यूनाइटेड फैमिली सारी जिन्नी भी सी. उस तो बाद मैं कुछ अपने आप को अलग करना चाहुंदा सी. इस वजह करके मैं 5 साल जॉर्डन दे विच चले गया, अरब कंट्री. उतों मैं अपनी जिहड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी सी बेंपी इंटरनेशनल कंपनी उहदे विच काम किया 5 साल. उस तो बाद मैं 13 अप्रैल 1984 लुधियाने वापस आया अपनी फैमिली विच. उस तो बाद मैं अपना एक सैपरेट बिजनेस शुरू किया. गवर्नमेंट वालों मैं 13/5/1986 रजिस्टर्ड करवाई काम. हाँ, जो GST नंबर से साडा वो 13/5/86 मैं लिया. उस तो बाद मैं सब तो पहले मैं साइकिल पढ़ शुरू किया. उस तो बाद मैं 5 साल वो चलाया. उस तो बाद फिर मैं नाल दी नाल आटो पार्ट शुरू किया. आटो पार्ट दे विच विच करदे कराउंदे असीं फिर 1990 तक असीं फुल फ्लैज आटो पार्ट चलता रहा साडा. उस तो बाद मैं अपने बच्चे की मैरिज की 2002 दे विच, पहला बेटी की, उस तो 2004 दे विच बेटे की. ये फिर मेरे नाल बिजनेस दे विच मेरे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा करा के नाल खड़े मेरे नाल मेहनत की. फिर असीं 5 साल हो गए सानू एग्रीकल्चर लाइन के बच्चों आया है. साडा वो भी बिजनेस चल रहे हैं नाल दी नाल, साडा एग्रीकल्चर भी चल रहे हैं नाल. साइकिल पार्ट भी मैनुफैक्चरिंग की है. आटो पार्ट साला ऑलरेडी चल रहा हूँ नाल. ये नाल साडा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चल रहा है कंबाइन पार्ट. हाँ, कंबाइन पार्ट जो कि सानू वधिया रिस्पोंस मिल रहा है, कोई ऐसी गल नहीं है. तो असी क्वालिटी माइंडेड बंदे हैं, तो क्वालिटी ही असी बना के रह गई हैं. तो वो नहीं है भी बनाया अगले दे घर चले गया जाके फिनिश हो गया, वो काम साडे कोल है नहीं. असी क्वालिटी माइंडेड है, असी क्वालिटी ही बना के दे रहे हैं. अभी तो जिदा तुम्हें पता है कि बिजनेस उ सक्सैस होंगे जरा क्वानिटी नहीं क्वालिटी फोकस करता, राइट. असी क्वानिटी के नहीं विश्वास करते, असी क्वालिटी विश्वास करते. एंड सर, जैसे आपने बताया कि आप प्रोफेसर थे, राइट, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे आप, मतलब क्या टीच करते थे वहाँ पे? वहाँ बाहर बाहर में एग्जैक्टली जो आप बता रहे थे प्रोफेसर. मैं जॉर्डन गया था, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में पहले तो मेसन का काम किया, कारपेंट्री का भी काम किया, पेंटर का भी काम किया, टाइम ऑफिस में भी काम किया. फिर उस तो बाद मैं फोरमैन बना. एज ए फोरमैन फिर मैं उतों अपना वापस आया. मेरे को उन्हां दा कंपनी दा मतलब इंटरनेशनल पास है जिहड़ा मेरा, वो अजे भी मेरे को है. बिंपी इंटरनेशनल बिल्डिंग कंपनी से मेरा अजे भी पास है. एंड सर, आपकी एज कितनी होगी फिलहाल? मेरी एज फॉर जी 70 नियर 73 मैं अपने 70 चल रही है. 70 चल रही है, ठीक. सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेसिकली, जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा, राइट, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, राइट, तो उसको ओवरकम कैसे करा? सबसे पहले स्टार्टिंग दे विच प्रॉब्लम तो इस तरह है भी बिजनेस चल रहा सी, मैनू उन्नी नहीं प्रॉब्लम आई क्योंकि मैं बेसिकली पढ़िया लिखिया सी. जो प्रॉब्लम सानू एक अनपढ़ नूं आउंदियां ने वो मैनू नहीं आईयां. मेहनत करन वाला मेहनत कश बंदा सी, मैं मेहनत कीती.
24 घंटे मैं मेहनत भी की है, सैटरडे संडे मैं 24 घंटे विदाउट एनी ब्रेक मैं कम करता रहा। हौली हौली स्टैंड होंगे गए, इंपलाइज रखते गए, फिर मैं रजिस्टर्ड करवाई कंपनी, फिर वो मैं SSI यूनिट बनाया अपने नाल, फिर इस तरह जिमें जिमें टाइम टू टाइम मेरा परमात्मा ने साथ दिता तो आप मेहनत की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे यही है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बनाने का ही मीन्स टू से कि कैसे आइडिया आया, हार्डवेयर का ही आइडिया कैसे आया, किसी और फील्ड में आपने क्यों नहीं चूज किया? इस तरह मेरा लगाव इस मार्केट में ऐसा मेरा लगाव पहले दिन तो ही जो लोहे नाल लगा सी मेरा, तो मैं उसके बारे ही सोचना सी। मैं हूँ लकड़ी का काम तो कर नहीं सी सकता, मैं लोहे का बिजनेस कर रहा सी तो लोहे बारे ही सोचना सी भी मैं इस तो बैटर की कर सकता, हार्डवेयर तो बैटर की है, हार्डवेयर तो बैटर ऑटो पार्ट्स है जो अज तक चल रहा है मेरा। उस तो बाद की है नवी प्रोसैस जो टेक्नीक आई एग्रीकल्चर पार्ट्स की, वो सानू बंद कुछ प्रॉब्लम आई असी उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इस करके फिर असी एग्रीकल्चर पार्ट ये शुरू किया। एंड सर जो बेसिकली आपकी जो ये मैनुफैक्चरिंग यूनिट है एक यहाँ पे है, एक हम मैं पीछे विजिट करके आया था वो भी काफ़ी बड़ा है राइट वहाँ पे, इसके हाँ। अलावा और इंडिया में कहाँ का बिजनेस है? नहीं और बिजनेस तो हमारा जो पार्ट्स चलता है थ्रू आउट इंडिया ही ज़्यादा है। ओके, इंडिया में सप्लाई हो रही है। हाँ, ऑटो पार्ट्स की भी चल रही है तो एग्रीकल्चर के पार्ट जा रहे हैं, सारा अपना बढ़िया सप्लायर लगे हुए हैं जी साढ़े। हाँ जी, तो कोई ऐसी गल नहीं, 40-40 साल के मेरे जो गाहक से वो अज तक भी अज भी लगे हुए। वो इस करके ना क्वालिटी माइंडेड है, क्वालिटी तो रेट का कोई ये कंप्रोमाइज नहीं होंगे, जो क्वालिटी है तो थोड़ा रेट सू गाहक देगा। एंड सर आप इन फ्यूचर, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ कैसे देख रहे हैं? आने वाले टाइम के देखियो ज्यो ज्यो मेरे ना मेरे बेटे का साथ मिले मैं इस तरह ये आने मेरा पोता भी आ रहा 5-7 साल उन्होंने पढ़ के आ रहा, वो भी तो वो भी ये मोडे ना मोडल बारहों पढ़ के। हाँ नहीं इतनी है, लोग इतनी है अपनी इंडिया, इंडिया है। हाँ बेसिकली वो 10th क्लास के बच्चे है। हाँ तो इस करके हम 5-7 साल लगने ने पढ़ाई चल, उस तो बाद फिर नाल असी दफ्तर च बैठन की ट्रेनिंग दे रहे हैं गाहक ना किमें, हाँ नाल गाहक न किमें डील करना है वह भी उन्होंने ट्रेनिंग नाल दे रहे हैं। मैनू उम्मीद है भी जिथे तक मैं अपनी मेहनत ना पहुंचिया तो बच्चे इस तो अगे हो जाएंगे। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, जैसे आपने नोटिस करा होगा जिसके पेरेंट्स काफ़ी यू नो रिच होते हैं, ठीक है, उनके बच्चे इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते जितने उनके पेरेंट्स हैं आज के टाइम पे, तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं मार्केट में? क्योंकि बच्चों का होता है कि पापा ने सब कुछ बनाकर ऑलरेडी दे दिया, हमने अपनी मेहनत क्या करनी, तो उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस? मैं वो चीज़ देखो जी, एक इस तरह है कुदरत वालों जिस खानदान दे विच पैसा अनसैसरी आ गया उसकी औलाद मेहनत कश नहीं हो सकती। हाँ जी बिल्कुल, जिस परिवार दे विच हैंड टू माउथ है खाने वास्ते सवेर का खाना तो कमाना तो शाम को खाना, उस परिवार दे विच मेहनत कश लोग परमात्मा वालों ही पैदा हो जाते हैं। सारा से यह क्वेश्चन लागू नहीं होंगे भी सारे परिवार ऐसे होंगे, तो सारे यह जे भी नहीं होंगे भी असी आपकी बाप की मेहनत की हुई असी बिल्कुल ही खत्म कर दीए, यह जी सोच भी नहीं होंगी किसी किसी की, ये जो करती है कुदरत करती है जी, बंदे के हाथ कुछ नहीं है, वह भाणा मनना पैंदा जिथे वो रखे उत्थे रहना पैंदा। ये बेसिकली मैंने कुछ डिस्कशन करी थी इनसे राइट, मिस्टर यू नो जो एम डी हैं एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो अब हम मैं पर्सनली आपसे यू नो रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हार्डवेयर के लिए विजिट करें, ठीक है, एक बार विजिट कर लीजिए, डील इनके साथ हो जाएगी, प्राइस इनके साथ हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस से आपको चीज़ें जैसे कि इन्होंने बताया इंडिया में ऑल ओवर द क्लाइंट्स हैं इनके पास, तो वहाँ से ये डीलअप हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इनके जो यू नो इनके जो सन है इंदर चन्नी जी, मिस्टर इंदर चन्नी जी, उनसे एक बार डिस्कस करते हैं और उनसे व्यू जानते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या सोचते हैं।
तो अब हम आ चुके हैं इनके दूसरे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, राइट। और मेरे साथ फ़िलहाल मिस्टर मनोज जी हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो इनको चप्पा चप्पा पता है, इनको एवरी कॉर्नर पता है कि कौन से पार्ट्स में क्या बनता है, किस कॉर्नर पर क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम चलते हैं, थोड़ी सी बात पहले हम मनोज जी से करेंगे, उसके बाद हम यू नो स्टार्ट करते हैं टूर, ठीक है। सो मनोज जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हैं? यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आप कहाँ के हो? मैं हूँ यूपी के। यूपी के, ठीक है, 10 साल हो गए। चलो हम अब हमें पूरा दिखाओ कि एग्जैक्टली क्या क्या बनता है, ऑडियंस को अपने बताओ। सर ये अपना ऑटो पार्ट के आइटम बनते हैं। अच्छा, ठीक है। इन्हें रेडियस लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये 4 नंबर न्यू मॉडल। ये क्या होता है अपने ऑडियंस को बताइए, ये किस काम के लिए यूज़ होता है? ये सर कौन सेट होते हैं? अच्छा, ये कौन सेट होते हैं? 8 हो गए, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर मास्क के साथ सारे काम कर रहे हैं एंड अपना अपना काम सारे कर रहे हैं, तो कोई किसी भी तरह का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। सेट है कौन सेट के ही सारे हैं। अच्छा, 3 नंबर न्यू मॉडल। ये 3 नंबर है? 3 नंबर न्यू मॉडल। ये यूज़ कहाँ होते हैं? ये ऑटो में। ऑटो में जी, ठीक है। लटका बना रहा है, ये भी सेम ही है जी। ये 3 नंबर ही है जी। ठीक है, ठीक है। इधर नहीं कैमरा। सो बेसिकली ये आपने देखा फैक्ट्री का टूर, राइट, कि एग्जैक्टली फैक्ट्री है कैसे, अंदर क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है, क्या क्या नहीं होता, राइट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने ट्राई करा कि आपको दिखा सकें, राइट। हालांकि फैक्ट्री बहुत बड़ी है बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम पूरी की पूरी हर एक कॉर्नर को कवर कर सकें। सो जितना हमसे हो सका हमने किया। नाउ अब हम चलते हैं डायरेक्टली फैक्ट्री के ऑनर के पास। काफ़ी नेम सुना है मैंने इनका, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काफ़ी बड़ा नाम है ये, राइट। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि हम क्वेश्चंस वो पूछें जो आपके माइंड में भी हैं और मेरे माइंड में भी हैं। तो हम पूछते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्टली मिलते हैं उनसे एंड उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, राइट, एंड उनसे कुछ सीखने की ट्राई करता हूं, राइट। और अब मेरे साथ उनके बेटे आ चुके हैं, राइट। तो पहले हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। इनके बेटे हैं इंदर चन्नी, मिस्टर इंदर चन्नी। तो सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है। सर मैं चाहूँगा अपने एक छोटा सा ना परिचय आप हमारे जो ऑडियंस है उनको ज़रूर दीजिए कि एग्जैक्टली क्या नाम है आपका एंड क्या करते हैं आप। मेरा नाम इंदर चन्नी है जी। मैं लास्ट 20 ईयर तो ऑन वर्क हैं एड एन एग्रीकल्चर एंड ऑटो पार्ट्स में, और लास्ट 5 ईयर से हम एग्रीकल्चर में वर्कआउट कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन बेसिक काम है वो हार्वेस्टर कंबाइन पार्ट्स के साथ रिलेटेड काम है, और हम पंजाब की फेमस कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, उनके वही वेंडर्स हैं, जैसे मलकीत ग्रुप हो गया, विशाल ग्रुप हुआ, बलकार ग्रुप हुआ, स्टैंडर्ड ग्रुप हुआ। सारे आपके क्लाइंट्स हैं? हाँ यस, हमारे सारे जो सभी क्लाइंट हैं, हम इनको अपना जो इनके कंबाइन में स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, मेन पार्ट्स फिंगर एंड स्पाइक्स हैं, वो हम इनको मैनुफैक्चरिंग कर देते हैं। वो हमारा अपना उसमें लोगो होता है, जैसे मलकीत में जाता है तो मलकीत चंदी का लोगो लगता है जी, ब्रांड लगता है। विशाल में जाता है तो विशाल चन्नी का लोगो लगता है। बलकार कंबाइन में जाता है तो बलकार चन्नी का लोगो लगता है। स्टैंडर्ड में जाएगा तो स्टैंडर्ड का लोगो लगता है, स्टैंडर्ड और चन्नी का लोगो लगता है। तो हम बेसिकली लास्ट 5 ईयर से इन कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ हमारा एग्रीकल्चर में काम चलता है। ऑटो पार्ट्स का जो हमारा रिलेटेड काम है वो हमारा इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट में है, ओके, और डोमेस्टिक मार्केट में है, दिल्ली, पंजाब और बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, पुणे में हमारी ऑटो पार्ट्स की बेसिक मार्केट है। लास्ट 20 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ पापा के साथ। Okay, 20 साल हो गए आपको बिजनेस में? यस। ठीक है, तो 20 साल में सर आप के जब आप बिजनेस में आपने ज्वाइन किया, ठीक है, तब से ग्रोथ कितनी हुई होगी आपके अकॉर्डिंग? 100% हमने इंक्रीज़ किया है। इंक्रीज़ किया, क्योंकि जब मैं पहले डिस्कस कर रहा था सर के साथ तो वो बेसिकली ऑटो पार्ट्स में थे, लेकिन अब आप एग्रीकल्चर कंबाइन पार्ट सीधा भी डील करते हैं। यस सर। तो अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा बताएंगे हमारी ऑडियंस को कि एग्जैक्टली क्या आप बनाते हैं एंड क्या यूज़ है उस प्रोडक्ट का? बेसिकली फार्मर है, ठीक है, उनके लिए बेसिकली जो हार्वेस्टर कंबाइन पार्ट्स में मेन पार्ट्स लगते हैं फिंगर और स्पाइक्स। ओके। तो ये इस पार्ट्स की हमारी मैनुफैक्चरिंग ज़्यादा है, फिंगर एंड स्पाइक्स एंड अदर कंपोनेंट्स हैं, बुशेज हैं, कॉन्कलीज हैं, स्पाइक्स आ गया और अपनी एडल गोली आ गई, SMS बुश आ गए, एमल्चर बुशेज आ गए, और माइन पार्ट्स में रबड़ पार्ट्स लगते हैं उसकी मैनुफैक्चरिंग अपनी है, नाइलन बुश की मैनुफैक्चरिंग अपनी है,
लोग अलग 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 प्रोडक्ट हैं जो हार्वेस्टर कंबाइन पार्ट में यूज़ होते हैं। इसमें से हमारे पास कम से कम नहीं तो 25 से 30 प्रोडक्ट की रेंज है हार्वेस्टर कंबाइन में। एंड जो ये दिल्ली मुंबई मतलब जैसे शहरों में आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उनमें भी यही पार्ट्स होते हैं? नो, वो ऑटो पार्ट्स में कर रहे हैं हम दिल्ली। वो ऑटो पार्ट्स में कर रहे हैं बेसिकली पंजाब में आप? ऑल ओवर पंजाब एग्रीकल्चर पार्ट्स। एग्रीकल्चर पार्ट्स हमारे उत्तरांचल में भी जाते हैं, उत्तराखंड में भी जाते हैं, यूपी में भी जाते हैं, भोपाल में भी जाते हैं, आंध्रा में भी जाते हैं। अभी मतलब वो उनकी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये इनका बिज़नेस पंजाब तक ही लिमिटेड नहीं है, ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तो सोच सकते हैं उन जैसे कि इन्होंने क्लाइंट्स के नाम भी बताए, राइट, मलकीत ग्रुप हो गए, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, आपने नाम सुना ही होगा। तो इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि बिज़नेस जो है इनका किस लेवल पे है, राइट, कितनी रेपूटेड कंपनी है ये। तो सर बेसिकली आप बता सकते हैं कि आपने एग्रीकल्चर कंबाइनिंग पार्ट्स को ही क्यों चुना, कोई और क्यों? हमें इस लाइन में कुछ ग्रोथ अच्छी लगी। एंड मेन मोटिव क्या है आपका सर? मेन मोटिव ये है कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें हमारे फार्मर को। ओके। भी जो उनकी मशीनरी की रिप्लेसमेंट मार्केट में जो रिपेयर है वो काफ़ी हद तक हम उसमें वर्कआउट कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक ही मोटिव रखा है कि हमारे जो फार्मर भाई हैं या हमारे जो कंबाइन चलाने वाले वर्कर्स हैं या जिनकी अपनी कंबाइंस हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, क्रॉपिंग का काम कर रहे हैं, उनको मेंटेनेंस कम से कम पड़े। और अगर हम बात करें दूसरी कंपनीज और आपके बीच के डिफरेंस की, तो प्राइस क्या डिफरेंस कितना आया था प्रोडक्ट का? प्राइस डिफरेंस हमने कोई खास हमारा डिफरेंस नहीं है, मार्केट से हम 3-4% हम ज़्यादा लेके चलते हैं। okay. रेट हमारे हमसे 5-10% हमारे रेट एक्स्ट्रा ही होंगे, पर उनका रिवर्ट आपको एक सीज़न की बजाय 3 सीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। वही है ना, पैसे बचाने वाली बात है। यस yes, आपने 10% अगर एक्स्ट्रा हमें पे किया है तो हम आपको 3 सीज़न की गारंटी देते हैं, जबकि अदर कंपनीज के या अदर मार्केट में जो वैल्यूएबल पार्ट्स हैं तो वो इतने नहीं चलते हैं। तो अगर वो हमसे 10% सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन हमारा कंपोनेंट लगने के बाद अगर वो 3 सीज़न चल गया तो आपकी जो वैल्यू ऑफ कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट हम बेसिक लेके चलते हैं 100 रुपीज़ का है, हम 100 को 100 में हम ले रहे हैं, तो हमने आपने हर एक सीज़न में 100 लगाया तो आपका 300 लगा, हमने 3 सीज़न में आपको 110 में हमें एक प्रोडक्ट दे दिया, तो इसका मतलब आपकी जो बेसिक प्राइस है वो 30 रुपीज़ के आसपास रह गया अप्रॉक्स। आप 3 सीज़न 35 रुपीज़ में काम कर रहे हो, अगर और किसी कंपनी का काम मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसके लिए 3 सीज़न में देने ही पड़ेगा। हमारा मोटिव ये है, हमने बेस्ट क्वालिटी और बढ़िया रिप्लेसमेंट मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट मार्केट बढ़िया हो, कम से कम हमारा 3 सीज़न प्रोडक्ट हमारा चलना चाहिए, हमारा उसी के ऊपर हमारा फोकस है। अभी थोड़ा सा छोटा सा ना पर्सनल क्वेश्चन है मेरा सर आपसे। यस सर, जैसे कि सर ने बताया कि मतलब आपने ज्वाइन किया था बिज़नेस जो है, आपने बताया 20 साल हो गए हैं, राइट? यस सर। तो बिज़नेस ज्वाइन करने से पहले आप अपनी मतलब थोड़ी बहुत एजुकेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, क्या आप करते थे, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, एंड बिज़नेस में आपको आने का आइडिया कैसे रहा, क्यों लगा आपको कि मुझे पापा का जो क्वालिफिकेशन है सर वो 10th class 2 के बाद मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने किया है, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। किस चीज़ के इंजीनियरिंग? मैकेनिकल। उसके बाद हमारा फैमिली बिजनेस आ गई, फैमिली बिजनेस हम ही को देखना है आगे, इसीलिए मैंने इसी को ही ज्वाइन किया और इसी में हमने अपने आप की ग्रोथ देखी, और अपना फैमिली बिजनेस है इसको हम नहीं छोड़ सकते। आपने जॉब किया पहले कभी? नो, डायरेक्ट बिजनेस में। डायरेक्ट बिजनेस। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, राइट, काफ़ी कुछ सीखा आपसे। एंड सर एक बार लास्ट, बेसिकली जैसे मैंने अभी इनके ऑनर से बात करी एंड अब लगी हो कि इनके क्लाइंट भी यहीं पे थे, ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट करें इनके क्लाइंट का रिव्यू ज़रूर लूँगा ताकि आपको एक लाइव रिव्यू हो जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, अगर ऑफ़र इनके सर्विसेज जो हैं किस क्वालिटी में होते हैं, क्लाइंट खुद बोल रहा है। तो सर कैसे हैं आप? मेरा नाम तजिंदर सिंह है जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। ठीक है, एंड क्या नेम है आपका? तजिंदर सिंह नाम है जी मेरा। ठीक है, एंड आप इनके साथ कब, कितना टाइम हो गया एसोसिएटेड हुए? इन्होंने हो गए कोई 10 साल हो गए मेरे। 10 साल से इनके साथ? ओके, 10 साल से इनके साथ हैं। क्या क्या सर्विसेज लेते हैं इनसे? इनसे
एग्रीकल्चर लैंड पार्ट्स के कोई लेने उन्होंने मदद लेने मेरे रिलेटिव जी कंबाइना ने उन्होंने असं यूज करके देखे जो पार्ट बनाने चाहे स्पैक बनाते हैं फिंगर बनाते हैं क्रोन किली बनाते हैं जो सानू दो सीजन चलती सी जो तो असं इन्हों प्रोडक्ट पा लगे हाँ वो चार सीजन के आते हैं हम पूरे आते तो जो क्रोन किली से पहला घस जाएगियां तो वो दोबारा जो हम पाइया असं वधिया मटीरियल लैके पाइया इन्हों को वधिया चल रही ने साड़ी असी अपने पहला वरतिया ने उदों बाद अपने रिलेटिव के होर दोस्तों मित्रों दसिया उन्होंने प्रोडक्ट पा के देखे वो कहते ओके रिपोर्ट आ जो ओके रिपोर्ट आई तो असं मार्केट के होर भी प्रेरित करके कहा भी नहीं भी इन्हों का प्रोडक्ट लगी तो अगर रिकमेंड करोगे हाँ जी ठीक है एंड व्यूअर्स में दसना चाहोगे मैं तो कहना भी इन्हों बहुत वधिया प्रोडक्ट ने असी तीन साल तो लगातार तो वरत रहे हैं चार साल तो भी जो भी प्रोडक्ट रहे वधिया ले और रीजनेबल रेट आ मार्केट के जो असी सस्ता ले लें सस्ता रोवे एक बार बार महंगा रोवे एक बार महंगी थोड़ी चीज़ पैंती है देखो महंगी पड़ जाती है बट द पॉइंट इज कि आप दो ऑप्शन है या तो सस्ता लेके कम टाइम चला लो बिल्कुल या तो महंगा लेके थोड़ा ज्यादा टाइम चला लो लेबर पै जाती है खर्चा पै जाता द्वारा द्वारा टाइम वेस्ट होता है साडा सीजन रुक जाता है सीजन दे भी सानू फिर मार पै जांदी सी जो एक चीज़ पै गई तो वधिया पै गई इस वास्ते असीं बहुत वधिया इन्हां नाल जुड़े आ ते सानू बहुत वधिया अच्छा रिस्पोंस खुश हो तुसीं बिल्कुल मार्केट तों